सबसे पहले बहुत प्यारी लगती है, इतनी खूबसूरत ग्लो भगवान ने दे रखा है आपके स्किन पे, यहाँ मुस्कान के साथ साथ आपके चाहने वाले भी 2 बार तो देखते होंगे ऐसा शो बहुत अच्छा आपका रन कर रहा है पुष्पा इम्पॉसिबल, हर घर की स्टोरी है। हम बात कीजिए तो बात शुरुआत करते हैं, आज 4 जनवरी 2023 की, तो हम शुरुआत करते हैं, हमारे बीच उभरती हुई सितारे की लड़की थी, आज उसका बर्थडे, उसका नाम है तुनिशा शर्मा, अलीबाबा में सुपर डुपर एक्टिंग के 4 शो कर रखे हैं उसने छोटी सी उम्र में, एक दिव्या भारती थी उभरते हुए, उसके बाद ये दूसरा लड़की जो बनी है तुनिशा शर्मा, उसका बर्थडे क्या आप मिस करना चाहते हो क्या? हालांकि पूरी इंडस्ट्री इस दुख से गुजर रही थी, वो हम सबके साथ नहीं है, लेकिन मैं बस यही विश करती हूँ कि वो जहाँ कहीं थी भी हैं वहाँ वो बहुत खुश रहे और पीस में रहे, दैट्स ऑल आई विश फॉर, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री जिस तरीके से मैंने कहा कि सब दुख से है, और मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी मुझे भी बहुत बहुत बुरा लगा था कि इतनी कम उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन आई नो इट्स वेरी पेनफुल कि आज उनका बर्थडे है और वो हम सबके साथ हैं, बस मैं यही शुभकामनाएँ इनफैक्ट भगवान से यही प्रे करती हूँ कि वो जहाँ कहीं पर भी वह सुखी रहे। कभी आपने अलीबाबा शो देखे या कभी मुलाकात हुआ तुनिशा शर्मा से, कभी आपने मुलाकात हुआ था कभी? मेरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई, और वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, वो बहुत खूबसूरत थी, और जब मैंने शो का पोस्टर देखा था प्रोमोज देखे थे, मुझे लगा था कि क्या शो है और बहुत एक्साइटिंग, मतलब आप वो क्यूरियस हो जाते हो कि इस शो में क्या है ऐसा, और जो लीड कास्ट थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, और तुनिशा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी थी उसमें, बट या जो होना था, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप भी यंग हो बाकी भी सारे लड़के, प्यार में अगर टूटता है दिल तो इस तरह कदम उठाना जरूरी है कि माँ के बारे में सोचते एक बार, खुद अपने बारे में सोचते, प्यार आते ही जाते हैं लेकिन माँ तो बार बार नहीं आते हैं, एक थोड़ा सा यही मैटर है कि माँ खेला रह गया उसका। मैं सब यही कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, टफ सिचुएशंस आते हैं, लेकिन उसका डट कर सामना करना चाहिए, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आप हार मान लेते हो और आपको लगता है कि बस सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन आपको फिर भी रुकना नहीं है, आपके पीछे फैमिली है, आपके अपने लोग हैं, उनके बारे में तो ज़रूर सोचना है, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से पाल पोस कर आपको बड़ा किया, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल्स देखे होते हैं, और वो दुख, वो उनकी पीड़ा को समझकर अगर हम अपनी लाइफ में आगे चलते जाएँ तो हमें भी हिम्मत मिलती है अपनी लाइफ के सारे सिचुएशंस को फेस करने की, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हार नहीं मानना है, क्योंकि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके सोल्यूशंस भी हमेशा रहता है। चलिए इसके बाद आपके बाद के न्यू ईयर डे राइट आप शूट कर रहे हैं, किस तरह आपने फैमिली के साथ मनाया या किस अकेले मनाया, कैसे मिस किया आपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कैसे किया आपने न्यू ईयर कैसे मनाया? मैं जनरली अपने सारे ओकेशंस अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ, तो इस बार मैंने अपने भाई और भाभी के साथ सेलिब्रेट किया था, मेरी मॉम, मेरे पेरेंट्स जनरली राजस्थान में थे तो उनके साथ नहीं मैं ना पाई, और मैं गई थी मैजिका और रात के 2-3 बजे तक गई थी, तो वहाँ मैंने सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी शुरुआत रही है। चलो न्यू ईयर जैसे 2023 में कुछ बकेट लिस्ट है आपका, चलो आप तो शो तो अच्छे चल ही रहे हैं, इसके अलावा कि आप लगते हो कि लाइफ में शो कर रहा हूँ और ज़िंदगी में आगे और बढ़ना है, तो मुझे कोई गुरु है या कुछ, मैं जो बचपन से देखते थे बड़ा हुआ हूँ, मैं इनके साथ लाइफ में कभी ना कभी काम करना, तो कोई है? मेरा ड्रीम है कि मैं शाहरुख इनके साथ काम करूँ, भले छोटा सा भी रोल हो पर मुझे उन्हें सामने से देखना है उनके साथ एक स्क्रीन प्रेजेंस। क्या नाम बताया आपने? शाहरुख खान। अरे वाह वाह शाहरुख खान आपके फेवरेट है, तो ये मेरा ड्रीम रोल है, जिस दिन मुझे ये काम करने का मौका मिल जाएगा उस दिन मुझे लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया, सो आई रियली विश कि न्यू ईयर तो स्टार्ट हो गया लेकिन ये भी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। 100% होगा, आपका चेहरा वहाँ तक पहुँचा नहीं, आपका लुक, आपके मुस्कान वहाँ तक पहुँचा नहीं, कि वहाँ तक पहुँचाने वाला, क्या पता ये इंटरव्यू वीडियो आपको देख करके भाई जिसको ढूंढ रहे थे वो गरीब मिल गया भैया उसको ढूंढो ढूंढो वो कॉन्टैक्ट आपको करे। एनीवे चलो हम इसके लाइफ के हो गया, बात करते शो के, आप जहाँ आसपास रहती हो जैसे पुष्पा पुष्पा में काम करते हो, आजू बाजू कितना प्यार मिलता है, जैसे घर जाते हो या कोई पार्टी होता है सोसाइटी में, क्या बोलकर मतलब क्या बोलकर बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? वो मुझे इतना प्यार मिल रहा है हम सभी को, जो मैंने सब सारे एक्टर से भी सुना है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ और मैं जनरली मास्क में रहती हूँ, विदाउट मास्क चली गई तो वहाँ पे काफ़ी और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि सबको मेरे कैरेक्टर का नाम अच्छे से याद है, रियल नेम से नहीं, आपको कैरेक्टर नेम से पुकारा जाता है, तो ये एक तरीके का सक्सेस है एज एन एक्टर, सो मैं बहुत खुश हूँ कि लोग इतना पसंद करें शो और इतना सारा प्यार दें। अच्छा सर शो के बात में
हम काफ़ी दिन बाद क्या चल रहा है टर्न्स थ्रस्टों के बारे में बताएंगे, क्या आपने इतना दिनों स्टोरी की है, पिछली स्टोरी बताएं। अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रोमो जिसमें धर्म राइडन और पुष्पा एक दूसरे से टकरार होती है और उससे लगता है कि धर्म राइडन है। तो फिलहाल अभी स्टोरी इसी पे चल रही है, जैसे आप लोग शो देख रहे होंगे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है जिसमें आप लोगों की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो मुझे अलाउड नहीं है ज़्यादा रिवील करना, लेकिन आई एम श्योर पुष्पा और धर्म राइडन की जो स्टोरी है वो आप सबको आगे देखने को मिल सकती है और इसी तरीके से हमारा शो देखते रहिए आप। हाँ भी एक बात बोला, पुष्पा पहले अकेला सामना करते था हर मुश्किलों को, हर लिखो, लेकिन अब इनके देखता हूँ, आपको देखता हूँ कि आप उनके एक हाथ बटाते हो, उनके हर सुख दुख में ना एक साया की तरह रहते, कितना प्राउड लगता है आपको। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरी शादी करवाई गई तो उस टाइम पे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी सास के घर जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ। हमेशा से मुझे यही लगा है क्योंकि मुझे पुष्पा ने हमेशा बेटी की तरह रखा है, तो मेरा मन करता है, क्योंकि क्या होता है ना रिलेशनशिप में आपको जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है उसी तरीके से आप भी, आपका भी मन करता है उतना देने का। तो यहाँ पे पुष्पा मुझे इतना प्यार करती है कि मुझे बस लगता है दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। तो इस वजह से दीप्ति बहुत सपोर्ट करती है पुष्पा को और बहुत हिम्मत देती है। दीप्ति एज अ पर्सनालिटी वो इतनी स्ट्रांग है कि ब्रेव है, तो उसे सिचुएशन को टैकल करना आता है। और पुष्पा ने बहुत स्ट्रगल लाइफ में फेस किया है, तो जब भी वो अकेला खुद को महसूस करती है तो दीप्ति कोशिश करती है कि वो हर टाइम उनके साथ रहे, बिकॉज पास्ट में उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं जिस तरीके से शो में बताया गया, तो उस हिसाब से वो काफ़ी स्ट्रगल्स उन्होंने अकेले सहन किए। सो नाउ अब दीप्ति आगे, दीप्ति को ऐसे उन्हें अकेले महसूस नहीं होने देना कभी भी, दीप्ति हमेशा उनके साथ। एक खबर न्यूज जो दिखी थी दिलीप करके जो हस्बैंड है कम बैक मतलब आ रहे हैं, मतलब वो क्या था दिलीप? वो ही तो जानना है, अभी तक वो कुछ रिवील हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पुष्पा इम्पॉसिबल। ठीक है करीमा जी, आपकी खूबसूरती इस तरह रहे, किसी का नजर लगे चांद में दाग तो होता है लेकिन आप में कोई दाग नहीं है। आप देखो ठीक जाते जाते पूरा नाम टीवी से बॉलीवुड क्या विश देना चाहते हैं अपना? मेरा नाम गरिमा परियार और मैं दीप्ति पटेल प्ले कर रही हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल में, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हाथों। थैंक यू।